एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से दिन में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी पसीने छूट रहे हैं। दूसरी तरफ रात में गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 28.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और हवाएं चलती रहीं। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को हल्के बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की भविष्यवाणी की है। दिल्ली में दो दिन से चल रही पूर्व की हवाओं ने गर्मी में कमी की है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मई तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। ऐसे में लू के प्रकोप से भी राहत में रहेगी। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके बाद गर्मी में एक बार फिर से तेजी आएगी और तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 28.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 43 से 60% तक रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी बुधवार को अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। वहीं गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां भी हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली में AQI खराब श्रेणी में 263 दर्ज हुआ। नोएडा में AQI 242 जबकि गुरुग्राम में AQI बहुत ही खराब श्रेणी में 380 रिकॉर्ड हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।